लैंड जिहाद मूवमेंट जो स्टार्ट किया है कांग्रेस सरकार ने, करो बैन करो, वन वोट बैन करो, मटा मंदिर को आप छू भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समीर अहमद को आप राजीनामा देना चाहिए। लास्ट इलेक्शन को समीर अहमद को पूरा गारंटी उनको दिए थे कि कैसे भी कर पूरे माइनॉरिटी वोट को तुम कांग्रेस को डालाना है, चाहे उनके इच्छा थे थोड़े बीजेपी को, थोड़े जेडीएस को, थोड़े इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करना था, तो समीर अहमद जी ने उनको कॉन्फिडेंस मीटिंग बुला के उनको गारंटी दिए थे तुम लोग सिर्फ कांग्रेस को वोट कराओ, हमारे को पावर में लेकर आओ, मैं जितना चाहिए आप जो लैंड पे हाथ रखोगे मैं वो लैंड वक्फ बोर्ड को बेच दूंगा दे दूंगा बोल के वही हिसाब से करें। सर समीर अहमद साहब 2 महीने से फिर कर हर गाँव हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर इंडोर मीटिंग में ऑफिसर से हम लोग रिपोर्ट लिए से डरा रहे, धमका रहे, वार्निंग दे रहे, उनको ट्रांसफर करूंगा नहीं तो सस्पेंड करूंगा नहीं तो कौन सा तो केस डाल के तुम्हारे को हैरेसमेंट करूंगा। आपको फर्स्ट हिंदू मंदिर को टारगेट करना है, हिंदू मठा को टारगेट करना है, उसके बाद रैत्र को हिंदू रैत्र को टारगेट करना है, नाम के लिए दिखाने के लिए मुस्लिम लोग को भी टारगेट करना है बोल के उसका जो प्लान है वही प्लान के हिसाब से पूरा सिद्धरामैया साहब भी सपोर्ट करे थे वो हिसाब से करे वो लोग। अब मैं पूछना चाहता हूँ समीर अहमद साहब को ये क्या चल रहा है, आप क्या समझे हो तुम, ये बिरयानी है ये हलवा है तुम खा के डकार मार के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी देखते बैठेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे ये कभी होने नहीं देंगे। परसों हमारे राज्य अध्यक्ष बी वाई विजेंद्र जी ने जो आदेश दिए हम लोग को हम स्ट्राइक करेंगे, उतने में ही आप लोग सिद्धरामैया साहब को दिल्ली से फोन आ गया ऐसा नहीं चलेगा आप वापस लो, तो सिद्धरामैया साहब ने नोटिस को वापस लेता हूँ बोल के आदेश दिए बट हम उसको नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी आप गेजेट नोटिफिकेशन करके ये करिए। और एक बात बोलना चाहता हूँ पूरे कलबुर्गी जिले वाले को, कोई भी रहने दो या मुस्लिम रहने दो या हिंदू रहने दो, कौन सा मटा रहने दो, कौन सा भी रहित रहने दो, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चंदू पाटिल बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड एक भी स्क्वायर फीट आपके नहीं ले सकेगा, आपके लिए मैं ठहरूंगा, आपके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा बट आपके जमीन वक्फ बोर्ड में जाने नहीं दूंगा क्योंकि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, आपके हक से परचेस करे से आपके परचेस से करे से ये कहां तो आके समीर अहमद आके यहाँ मौकरी मजाक नहीं कर सकता है, किसी का हक नहीं ले सकता, वी विल फाइट अगेंस्ट इट। हम लोग आपके साथ हर एक कार्यकर्ता बीजेपी के आपके साथ खड़े हैं। ये जो लैंड जिहाद मूवमेंट जो स्टार्ट किया है कांग्रेस सरकार ने, स्पेशली मिस्टर सिद्धरामैया और समीर अहमद ने, हम लोग उसके खिलाफ भूवराहा मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग हर एक किसान के साथ खड़े हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी ज़मीन से कोई भी जुदा नहीं कर सकते, ना ही सिद्धरामैया ना ही समीर अहमद।